दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रू गाइडलाइन में। तो यहाँ पे आप लोगों को सही गाइडलाइन मिलता है अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ पे टॉपिक मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, नए यूट्यूबर्स का पैशंस अर्थात धैर्य। नए यूट्यूबर्स जो आते हैं उसका पैशंस कुछ ही दिनों बाद जो है टूटने लगता है, उन्हें लगने लगता है कि अब यूट्यूब हमसे नहीं हो पाएगा, अब ये लाइन हमें छोड़ना पड़ेगा, इस काम को छोड़ना पड़ेगा, इस तरह से लगने लगता है उसे। और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो होते हैं, आप लोगों को जैसा कि पता ही है, हजारों यूट्यूबर्स हर दिन आते हैं और हजारों यूट्यूबर्स हर दिन डेड हो जाते हैं। तो ऐसा क्या कारण होता है, ऐसा क्या कारण होता है कि उनके धैर्य जो होते हैं वो टूटने लगते हैं, पैसेज टूटने लगते हैं और फाइनली वो डेड हो जाता है। तो फिर इस वीडियो पे आप बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकूंगा कि आपका धैर्य कभी नहीं टूटेगा, आप YouTube पे सही रूप से काम कर पाएंगे और एक दिन सफल यूट्यूबर आप बनेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं और ये सारे पॉइंट्स जो है, ये जितनी भी घटनाएं यहाँ पे है वो सारे खुद मेरे साथ बीता हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल में बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, बहुत कम व्यूज है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। मैं पिछले 2 साल से YouTube पे काम कर रहा हूँ और लगभग 2 साल से, और मेरा एक अलग चैनल है, एजुकेशनल चैनल है, उस पर मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे साथ। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहला चीज़ है गलत माइंडसेट, क्योंकि YouTube पे आने से पहले लोगों को पता नहीं रहता है कि यहाँ पे क्या घटनाएं होंगी। उन्हें सिर्फ लगता है कि यहाँ पे दूसरे यूट्यूबर्स अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे ऐसी वीडियो को देखते हैं, उसका सेटअप देखते हैं, उसका कई सारी गाड़ियां देखते हैं, उन्हें लगता है कि वो इतना पैसा कमा रहे हैं, उसका आधा भी मिल जाए उसके लिए काफ़ी है। उसको माइंडसेट हो जाता है कि कुछ ही दिनों में हमारा भी पैसा आएगा, बस यही चीज़ जो होता है। क्योंकि आपको पहले जिस चीज़ पर विश्वास, किसी चीज़ पर, किसी व्यक्ति पर आपको बहुत भरोसा है, और अगर वो आदमी आपको धोखा दे दे तो फिर आपका दिल टूट जाता है और फिर उसके साथ आप कभी काम करना पसंद नहीं करते हैं। वही चीज़ होता है, आप पहले ही यहाँ पे माइंडसेट कर लेते हैं, आप यहाँ पे टाइम जो है आपको लगता है कि 2 महीना 3 महीना 6 महीना, कम से कम 6 महीना बीतने के बाद तो पैसा आएगा ही, ऐसा माइंडसेट होता है। और अगर वो माइंडसेट टूट जाए तो फिर डिप्रेशन आ जाता है, वही चीज़ होता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक सवाल पूछता हूँ कि आप यूट्यूब पे बिना पैसा मिले आप कितने दिन तक काम कर सकते हैं? 4 महीना 6 महीना, अगर 1 साल होने लगा तो फिर मुश्किल है। तो मैं आप लोगों को बतलाता हूं कि YouTube पे, इस प्लेटफॉर्म पे, YouTube पे जो है आपको 2 से 3 साल तक मान के चलिए कि आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको काम पूरा मेहनत से, पूरा लगन से करना होगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, 2 से 3 साल टाइम आप दे सकते हैं, तब YouTube पे आप सफल हो सकते हैं। अदरवाइज फिर इस तरह का थिंकिंग रखना, इस तरह का माइंडसेट रखना कि 4 महीना 6 महीना 1 साल में मेरा पैसा आने लगेगा और मैं भी अमीर हो जाऊंगा, ये गलत माइंडसेट है। पहला माइंडसेट आप इसको नोट कर लीजिए कि आप 2 से 3 साल आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे दो से तीन साल आपको पैसा नहीं मिलेगा, सीधा जान लीजिए कि आपको 2 से 3 साल पैसा नहीं मिलेगा, कभी मिल गया कारोबार तो मिल गया, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। और यहाँ पे आपको हार्डवर्क पूरा यहाँ पे मेहनत से काम करना होगा, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा तो चलो काम बंद करो, कभी काम किया कभी नहीं किया, इस तरह का यहाँ पे नहीं चलने वाला। एक चीज हो गया। अब दूसरा जो नो एक्सपीरियंस मतलब काम करने का कोई एक्सपीरियंस तो रहता नहीं है। जब हम यूट्यूब पे आते हैं तो हमें लगता है कि बहुत सारा पैसा आने वाला है, ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं रहता है, काम कैसे करें। नथिंग न्यू, कोई भी नया चीज़, जैसे हम काम करते हैं, कोई भी वीडियो डालें, हमें उम्मीद रहता है कि इसमें इतना व्यूज जाएगा, इतना लाइक जाएगा, लेकिन हमारा उम्मीद के अनुसार नहीं जाता है, और फिर हम उसके प्रति सोचते नहीं कि हमने क्या गलती किया, हमारा तो एक्सपीरियंस नहीं, हमने क्या गलती किया। वहाँ पे हमें ढूंढना होगा कि ऐसा क्या करें, हमेशा न्यू आइडिया लगाना होगा, ऐसा क्या करें कि हमारा चैनल, हमारा वीडियो जो है उसको लोग पसंद करें, उसको लोग देखें, क्यों नहीं देख रहे हैं लोग, ये चीज़ अपने आप से सॉल्व करना होगा, फिर जो है आइडिया लगाना होगा कि क्या करना होगा। नथिंग न्यू मतलब न्यू चीज़ कुछ भी नहीं आप अप्लाई कर रहे हैं, उस पर आपको कुछ ना कुछ नया आइडिया लगाते रहना होगा, कभी सेटअप चेंज करना होगा, कभी वीडियो बनाने का स्टाइल चेंज करना होगा, कभी बोलने का स्टाइल चेंज करना होगा, कभी अलग सब्जेक्ट हट के वीडियो बनाना होगा, इस तरह से इन चीज़ों को अप्लाई करना होगा। एवरी इंटरवल मतलब कुछ समय बाद अपने वीडियो में कुछ ना कुछ नयापन डालना होगा,
एक चीज हो गया, दूसरा चीज ये हो गया, और तीसरा वॉच मनी ऑफ अदर यूट्यूबर। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो होते हैं दूसरों के पैसे देखते हैं, दूसरे यूट्यूबर्स के, उसके पास इतने पैसे आ रहे हैं, वो इतना अमीर है तो मेरा भी तो हो जाएगा, वो उसको देखते हैं, लेकिन उसको नहीं देखते हैं कि उसके पीछे वो कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, उतना कितना मेहनत कर रहे हैं, वो चीज़ उसे दिखाई देता है, उसका सिर्फ पैसा दिखाई देता है कि वो कितना, उसके पास कितना पैसा आ गया, लेकिन वो कितना मेहनत किया, कितने समय से लगा रहा, कंटिन्यू काम करता रहा, वो चीज़ तो किसी को दिखाई नहीं देता है। इसलिए उसको नहीं देखना, आपको कितना काम किया, कितना मेहनत किया, कितने रातों को जागा है, कितना अपने कंटेंट को तैयार करने के लिए कितना वो स्टडी किया है, उस पर कितना वो रिवाइज किया है, उस चीज़ों को देखना होगा, उसे समझना होगा, तभी पता चलेगा कि उसके पास पैसा कितना है। ऐसा नहीं होता है कि लकीली पैसा आ गया, भाई से पैसा आ गया, ऐसा बहुत कम यूट्यूबर के साथ होता है कि किसी का वीडियो वो सोचा नहीं और इतना वायरल हो गया, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि नॉलेज जैसा होता है, हमारे पास जितना नॉलेज है उतना पैसा है, और मोस्ट ऑफ पीपुल ज़्यादातर व्यक्ति जो है औसत व्यक्ति है, मैं भी एक औसत आदमी हूँ, औसत व्यक्ति, हमें काम करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा बात करना पड़ता है, बहुत कम ऐसा संभावना है कि आप कोई वीडियो बनाएं और इतना वायरल हो गया, बहुत कम संभावना, और उस पर मत जाइए, आप काम करते रहिए। तो दूसरों के पैसे नहीं देखना, दूसरों के मेहनत देखिए। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, फोर पॉइंट जो है नॉट लर्निंग, कोई भी चीज़, कोई भी वीडियो हम बनाएं और वो नहीं चला, लोगों ने उसे पसंद नहीं किया, नहीं देखा, तो हम उसके बारे में ये नहीं सोचते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, लोगों को किस प्रकार का वीडियो देखना पसंद होगा, ये चीज़ हम नहीं सोचते हैं, हम अपने आप से सवाल नहीं करते हैं, हम सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि किस तरह का वीडियो लोग पसंद करते हैं, कैसे वीडियो चलेंगे, इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा, लोग क्या चाहते हैं जो हम उसको फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट भी आपके वीडियो पे आते हैं, और जिस तरह का वीडियो आपके चैनल पे चलेगा उस तरह से आप समझ लीजिए कि लोग क्या देखना चाहते हैं, उस चीज़ को हमें गेन करना होगा, हमें उस चीज़ को सीखना होगा, धीरे धीरे चैनल से हमें, चैनल पे काम करते करते हमें पता चलने लगता है कि किस तरह का वीडियो हम अप्लाई करें, किस तरह का वीडियो बनाएं जो लोगों को पसंद आए, ये सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए ऑलवेज तैयार रहना होगा, जो सीखने के लिए तैयार रहता है वो यहाँ पे टिकेगा। कभी भी इस तरह की चीज़ें आ जाता है जो डिप्रेशन में आपको भेज देता है, डिप्रेशन में आप चले जाते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, उसी स्थिति में आपको सीखना है, क्या गलती हुआ, तो वही चीज़ तो आपको सीखना है, यहाँ तो सीखने का ही काम है। उसके बाद यहाँ पे डिपेंड ऑन बिग यूट्यूबर्स, कई लोग होते हैं इतनी हड़बड़ी होती है लोगों को, यूट्यूबर्स को इतनी हड़बड़ी होती है कि यहाँ पे उसको 1000 सब्सक्राइबर और यहाँ पे 4K वॉच टाइम, यहाँ पे उसको वॉच टाइम जो है तुरंत चाहिए, इतनी हड़बड़ी होती है, तुरंत कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस तरह क्या क्या आइडिया लगाते रहते हैं, कमेंट करते हैं दूसरों की वीडियो पे जाके, तुम मेरा सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हारा सब्सक्राइब करता हूँ, इस तरह की बातें करते रहते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, डिपेंडेंट बिग यूट्यूबर्स, बड़े यूट्यूबर्स, अगर कोई सामने में बड़े यूट्यूबर्स है तो क्या करते हैं, बड़े यूट्यूबर के यहाँ चले जाते हैं, उसके साथ अगर कोई वीडियो बनाएंगे तो हो सकता है कि वायरल हो जाएगा, इस तरह की थिंकिंग बना लेते हैं। लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं कि बड़े यूट्यूबर्स जो आपके साथ मिलेंगे, आपसे आपको समय देंगे, मुश्किल काम है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि इस बंदे ने कुछ काम किया ही नहीं, इस बंदे ने समय दिया ही नहीं, कुछ ये सीखने को तैयार हुआ नहीं है, जो करना चाहिए, जितना मेहनत करना चाहिए उसने उसका आधा का आधा भी नहीं किया, इसलिए वो समय नहीं देते हैं। इसलिए डिपेंड होंगे बड़े यूट्यूबर्स के साथ, अगर एक वीडियो आप बना भी लेते हैं तो फिर आपका दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, चौथा, इस तरह से और वीडियो चलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं, और निश्चित रूप से नहीं चलता, जो वीडियो जो बड़े यूट्यूबर के साथ रहता हो वो थोड़ा चल गया, बाकी जो है नहीं चल पाता है, इसलिए आपको हार्डवर्क करना होगा। तो डिपेंड आपको किसी भी यूट्यूबर्स पे नहीं रहना है, खुद मेहनत करना है, आप ऐसा करते हैं तो आपका चैनल निश्चित रूप से ग्रो होगा। उसके बाद डिप्रेशन, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी घटनाएं घटने के बाद जो है, अगर आपका वीडियो नहीं चला, आप उस पर कुछ भी सीखे नहीं, वहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं, न्यू चीज़ आप अप्लाई नहीं किए, समय नहीं दिया, हार्डवर्क आप उस पर नहीं किए, तो आपको डिप्रेशन पे जाना ही जाना है, आप डिप्रेशन पे चले जाएंगे और फाइनली जो है आप एक डेड यूट्यूबर होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको जो है डिप्रेशन पे नहीं जाना है, ठीक है, डिप्रेशन पे नहीं जाना है, क्योंकि डिप्रेशन पे आप चले जाते हैं, डिप्रेशन हो जाते हैं तो फिर आपका पैसेंस टूट जाता है और फिर डेड हो सकते हैं। आप दूसरे यूट्यूबर्स को देख लें, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो
मनोज देखो आप देख सकते हैं उनका एक चैनल खराब हो चुका, वो काफी जो है मेहनत किए लेकिन उनका एक चैनल बर्बाद चला गया। मैं इतने समय से काम कर रहा हूँ, 2 साल लगभग होने वाला है, किसी तरह का मुझे कोई एक बार पैसा आया है और नहीं आया। अभी तक मैं छोड़ सकता था, मैं मेरे पास बहुत कारण है, इतने समय देने के बाद भी मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास बहुत बड़ा रीजन है कि मैं यहाँ पे काम करना बंद कर सकता हूँ, ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए नहीं है, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा, मैं नए चीजों को हमेशा अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे लोग जब इससे अर्न कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं कमी हम में है। इसके अलावा आप और भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखते होंगे, तो ऐसा नहीं है, जैसे कि लकी पांडे, उनको मैंने सुना, उन्होंने बताया कि 1 से 1.5 साल के अंदर में मैंने जो पैसे अर्न किए हैं वो है, लेकिन मैं 4 साल से प्लस से, मैं उससे ज्यादा समय काम कर रहा हूँ। सोचने वाली बात है, उतने समय से वो मेहनत कर रहे हैं, अगर 2 साल के बाद उसका 2 साल 3 साल लगभग हो गया उसके बाद पैसा आया, अगर उसके पास तो बहुत बड़ा कारण था, इतने लंबे समय तक पैसे नहीं आया तो यूट्यूब छोड़ सकते थे। इसीलिए अगर बने रहना है, यहाँ पे काम करना है, अर्न करना है, तो सिंपली समझ लीजिए कि आपको 2 से 3 साल समय देना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, वो खुद आपको इसका फॉर्मूला समझ में आने लगेगा। तो फाइनली आपको इतने समय तक रहिए, फिर आपको पता चलेगा, आपको पैसेंस खोना नहीं, फिर उसके बाद आपका पैसेंस टूटेगा नहीं, फिर आप खुद जान जाएंगे, खुद मास्टर यहाँ पे होंगे। इसके अलावा मैंने और भी दूसरे कई सारे काम किए हैं और उसमें मुझे पता चला, उसमें उसका एक्सपीरियंस मुझे बतलाता है कि किसी भी लाइन में आप जाते हैं, आपको कम से कम 2 से 3 साल जब तक आप समय नहीं देते हैं, आप वहां से पैसा अर्न नहीं कर पाएंगे और वहां कोई भी एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पाएंगे कि वहां से पैसा कैसे कमाया जाता है और कैसे वहां पे अर्न कर सकते हैं। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये लाइन भी वैसा ही, किसी भी लाइन में आप चले जाइए, मेरी इतनी समझ में आ गया है कि आप किसी भी लाइन में जाएंगे तो आपको उतना समय देना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे अगर आप देते हैं तो यहाँ भी अर्न कर सकते हैं और कैसे अर्न कर सकते हैं ये आपको समझ में आने लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो जो है आप लोगों को यहाँ पे रुकने में मदद करेगा, और इसी तरह का और वीडियो हमारे इस चैनल में मिलते रहता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इसके बेल आइकन को ऑन कर लें, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा इस चैनल का, और इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।